हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। सो चलिए आज हम बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ओके, अगर लास्ट वीडियो में आपने देखा हो तो लास्ट वीडियो में उन्होंने क्या किया था, इट्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, कि रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था और अपने उसी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेस पर रदरफोर्ड ने क्या होता है, एक नया मॉडल ऑफ एटम दिया 1911। ओके, क्या किया था उसको, तीन ऑब्जर्वेशन मिले और तीन ऑब्जर्वेशन के बेस पर क्या कंक्लूजन निकाला कि एटम के अंदर बहुत सारी खाली जगह है, बहुत सारी खाली जगह जहां से रेडिएशन पास हो रही है डायरेक्ट। यस, सेंटर में कोई पॉजिटिव पार्ट भी है कि जहां से रेडिएशन जो बिल्कुल पास से होके गुजरी वो रिफ्लेक्ट होगी, और सेंटर में ही कोई हैवी बॉडी भी है जिससे जो पार्टिकल सीधा टकराई गई वो डायरेक्ट वापस गया भी। तो इस तरीके से उसने इस बेस के ऊपर, इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर एक कंक्लूजन निकाला कि एटम के अंदर बहुत सारा खाली पार्ट है, बहुत सारी वैकेंट स्पेस है। So on the basis of his observation, in scattering experiment, ठीक है, scattering experiment के observation के बेस पे उसने क्या बोला, he said, क्या बोला रदरफोर्ड ने, कि atom consist into एटम कंसिस्ट इनटू टू पार्ट्स। एटम दो पार्ट्स में जुड़ा होता है, कौन कौन से वो दो पार्ट, फर्स्ट न्यूक्लियर पार्ट, ओके, एंड सेकंड इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। यस बेटा, न्यूक्लियर पार्ट एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब न्यूक्लियर पार्ट क्या है, न्यूक्लियर पार्ट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, सेंट्रल पार्ट है इन विच पॉजिटिव चार्ज एंड हैवी बॉडी इज प्रेजेंट, कि जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी और हैवी बॉडी भी प्रेजेंट है। ओके, अब वो पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से, तो पॉजिटिव चार्ज इज ड्यू टू, पता ही हमें, प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स होते हैं सेंटर में, है ना। और हैवी बॉडी किसको बोला है उसने, हैवी बॉडी किसको बोला, दैट इज न्यूट्रॉन्स, है ना। और क्या बोला उसने कि जो हमारा सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट मींस सेंट्रल क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, द सेंट्रल पार्ट जो है, द रेडियाई ऑफ सेंट्रल पार्ट इज 10^-15 मीटर। आइडिया भी बताया कि इतना छोटे रेडियाई है उसकी, तो वो था हमारा सेंट्रल पार्ट, न्यूक्लियर पार्ट। ओके, तो चलिए अब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की बात करते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, अब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या, नाम से ही होगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, नाम से इतना चल रहा है। ये क्या था कि दिस इज द आउटर पार्ट, ये आउटर पार्ट था हमारा, क्या था, आउटर पार्ट, ठीक है, विच हैज द रेडियाई नियरली इक्वल टू 10^-10 मीटर। इसकी जो रेडियाई इसने बताई कितनी बताई, 10^-10 मीटर। तो इसका मतलब देखो, हमारी रेडियाई ऑफ न्यूक्लियस कितनी है, तो रेडियाई ऑफ न्यूक्लियस कितनी थी, देखिए चलो ये बात में करते हैं, दोनों का एवरेज एग्रेशन निकालेंगे। ओके, और क्या बोला इसने कि इन आउटर पार्ट नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है। और क्या चीज बोल दी कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर नॉट स्टेशनरी, वो स्टेशनरी नहीं है, दैट मीन्स कि दे आर रिवॉल्विंग, they are revolving around the nucleus,
जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी हमें वो सारी नोट करनी है कि आउटर पार्ट में नेगेटिव पार्टिकल्स हैं जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल्स किसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। और क्या चीज बोली उसने साथ में कि इलेक्ट्रॉन्स पोजेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फोर्स ओके ड्यू टू विच दे आर एट देयर पोजिशन। भी एट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अप्लाई हो रहा है। अब हमें पता चला इलेक्ट्रॉन अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमें पता सेंटर में तो क्या होता है, सेंटर में हमारा पॉजिटिव पार्ट होता है, उसने क्या बोल दिया कि सेंटर के अंदर पॉजिटिव पार्ट है यस, और आउटर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं कॉन्टिन्यू घूमे जा रहे हैं है ना। अब हमें पता है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो बट इनके बीच में कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम कर रहा है और वो फोर्स ही है जो इसको एटम को इसी पोजिशन पर रोक के रखे हुए है, वो घूमे जा रहे हैं कॉन्टिन्यू उसी जगह पर। तो ये चीजें उसने बोली आउटर पार्ट के बारे में ओके। और क्या चीज इंपॉर्टेंट थी इसके बारे में, रदरफोर्ड के इस मॉडल को, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को एक और नाम दिया गया है प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम। क्यों बोला गया है, क्योंकि ये मॉडल जो है दिस मॉडल रिजेंबल लाइक सोलर सिस्टम, कि रदरफोर्ड का जो ये मॉडल था ये सोलर सिस्टम को रिजेंबल कर रहा था जस्ट लाइक कि द सन इज इन द सेंटर एक्टिंग एज ए पॉजिटिव पार्ट एंड ऑल प्लैनेट्स आर अराउंड द सन रिवॉल्विंग। ये चीज थी उसने कि ये जो रदरफोर्ड ने मॉडल बताया वो प्लेनेट से मैच सोलर सिस्टम से मैच कर रहा था, कि जो सन है मान लिया कि जो सन हमारा है वो एक सेंटर में है जो पॉजिटिव का पार्ट का काम कर रहा है और जो प्लैनेट्स हैं वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का एक दूसरा नाम भी दैट इज प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम। यस ठीक बेटा, तो यहां से हम एक चीज क्या इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई कि रदरफोर्ड ने क्या बताया कि एटम का जो मॉडल है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है ना, ये चीज समझ में आई। और उस दो हिस्सों के अंदर जो रेडियाई है रेडियस ऑफ स्पीयर वो कितनी है 10^-15 मीटर ओके, और जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है वो 10^-10 मीटर है ना। अगर हम इन दोनों की रेशियो निकाल दें रेशियो क्या निकाल रेडियस या फिर डायमीटर की बात करें ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय रेडियस या फिर डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, तो यहां पर क्या निकल रहा है हमारे पास 10^-15 डिवाइड बाय 10^10 और 10^5 मीटर। तब बोल सकते हैं कि द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 1/10^5 इज वेरी वेरी स्मॉल, कि एटम की जो रेडियस है वो बहुत ही छोटी है। That's why you can see कि atom is the very 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 smallest particle. That is the reason we can't see the atoms with naked eyes. है ना? Yes ना? अगर हम छोटी सी गेंद जो आप लोग गेंद खेलते हैं क्रिकेट की जो गेंद होती है रबड़ प्लास्टिक, अगर हम छोटी सी गेंद को न्यूक्लियस मान लें, या तो बुक में भी एग्जाम्पल भी दिया हुआ कि अगर हम हमारे पास जो खेलने वाली गेंद है टेनिस गेंद जो है अगर उस गेंद को हम न्यूक्लियस माने, वो गेंद को अगर न्यूक्लियस लेकर चले तो जो एटम बनेगा हमारा जो स्फीयर बनेगा और टोटल वो 5 किलोमीटर के रेडियस में बनेगा।
5 किलोमीटर की रेडियस में, इतना बड़ा एटम हो जाएगा। तो यू कैन नाउ यू कैन अज्यूम यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द साइज ऑफ दिस न्यूक्लियस। ओके यस आई होप टॉपिक समझ में आया अच्छे से। सो इन नेक्स्ट मॉड्यूल वी विल डू द अनदर मॉडल ऑफ एटम। ओके थैंक यू।